नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। पूरा देश कोरोना संक्रमण महामारी से संघर्ष कर रहा है और लॉकडाउन के दौरान बंद था। इसका असर देश की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ा। आज धार जिला कांग्रेस कमेटी ने एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट वीरेंद्र कटारे को सौंपा। केंद्र व राज्य की बीजेपी सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल के दामों में बेतहाशा मूल्य वृद्धि के कारण देश प्रदेश के किसान मजदूर गरीब तबके के लोगों को आर्थिक बोझ उठाना पड़ रहा है। ऐसे समय जब देश प्रदेश में कोरोना महामारी के चलते व लॉकडाउन के दौरान जनता को बहुत नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और उनके सामने रोजी रोटी का संकट तक खड़ा हो गया है। इसके उपरांत भी केंद्र व राज्य की बीजेपी सरकार पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी कर रही है, जिससे आम जनता की कमर टूट चुकी है। धार जिला कांग्रेस कमेटी मांग करती है कि पेट्रोल डीजल पर की गई मूल्य वृद्धि तुरंत वापस ली जाए। महीने से काम धंधा तक बंद है और उसके बावजूद भी केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार आए दिन पेट्रोल डीजल के जो भाव बढ़ा रही है, जिससे हमारे देश के गरीब किसान, हर मध्यम वर्गीय परिवार जो पेट्रोल डीजल से ही निर्भर रहता है बहुत से कामों में, अभी किसानी का टाइम चल रहा है, उनको डीजल टैंकर और ट्रैक्टर में चलता है। ऐसी स्थिति को देखते हुए अगर केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार रोज डीजल में वृद्धि करेगी तो कैसे काम चलेगा। हमारा जिला कांग्रेस के सदस्यों के माध्यम से महामहिम राज्यपाल जी से निवेदन है कि जो ये वृद्धियाँ रोज दिन पर दिन हो रही है इसको कम करी जाए, जिससे मध्यम वर्गीय किसान और आम जनता को फायदा पहुंचे। खबर समय जगत के लिए धार से अल्ताफ खान की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।